हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आई हूँ, तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से। आज अम्मी आए हैं घर पर बहुत दिन के बाद, और अम्मी गाँव गए थे, तो उसके बाद फिर अम्मी मेरे घर आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो चलो मैं आज आप लोगों को अम्मी से मिलाती हूँ। तो गाइस, अम्मा इधर बैठे हैं और इधर देवा बैठे हैं और फैजल सो रहा है। ये ऐजल के साथ कुछ कर रहे हैं। अम्मी बैठे और इधर बेडरूम में भी ये लोग देख सकते हो आप लोग कैसे सो रहे हैं। सेफ क्रीम लगा के लेटे और मम्मा ऐसी लेटा है मोहम्मद। तो चलो गाइस, मैं आप लोग को मिलती हूँ आगे के काम बताती हूँ। काली है यार, दिखा इधर शक्ल, इसी बशूरत शक्ल की लगती है तू। रंग में गोशी नहीं है इनके। अम्मी को देखो कैसे खाते पीते घर के लगते हैं। अम्मी बिच्छू, अम्मी एजल भी सो रही है, ये लोग भी सो रहे हैं, मतलब वो सो रहा है फैजल। अभी जा रही हूँ काम करने के लिए। हाँ तो काम नहीं करूँगी, काम नहीं करूँगी मैं। बता दूं मैं तुझे, सारी तारी मेरी बन के फ्रिज में रखी हुई है। सारी तारी मेरी बाहर से सीधा किचन में जाएगी। बाहर से लाओ, घर की रहेगी तो। चलो फ्रिज खोल के देखते हैं। फ्रिज में अगर कुछ नहीं मिला तो रिंग मार खाएंगे। सिर्फ खजूर, दूध, ठंडे की बोतल, चॉकलेट्स, बस। मारू मारू तो बोल, निकाल सब डब्बे। चिकन मलाई सीख कबाब इतने रेडीमेड हो, इसीलिए मेरे से ये गलती हो गई। चिकन पॉपकॉर्न, चिकन लॉलीपॉप, चिकन बन जा रहा है वो। गाइस देख सकते हो आप लोग मेरी बहन का आलसीपन। आलसीपन नहीं है, बड़े प्रिपेयर्ड लोग हो आप। अभी ये सब सामान इधर रखते हैं इधर, और गैस पे तो कुछ है रखा हुआ, और भी है आवरण अंदर। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, दो पांच मिनट रुक जा। ये एजल की दूध की बॉटल है और यहाँ पर भी है। ये सब सिर्फ फ्राई करना है। तो गाइस देखो, अभी कांदे का भजिया बन रहा है। यहाँ पर हमारा रगड़ा बन चुका है, ये इधर रखा है, सब चटनी सॉस वगैरह इधर है। अभी ये तेल रखे हैं क्योंकि इसको ऑयल फ्राई करना है, और आफ्रिन फटाफट काम कर रही है, बटाटे का भजिया बना रही है, और ये सब फ्राई करना है। तो अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आपको दस्तर पे मिलेंगे, है ना। फिर बड़े मौलाना पीर साहब बैठे इधर। अम्मी तो बाप रे कांटे वाली दिख रही है। बिना नमाज के हम लोग कुर्ता पहनते, इतना बारीक टैलेंट है हम लोग के अंदर। जोर की नमाज, अब असर में उठे झूठ बोल रहे, नमाज पढ़ूंगा अफरीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तारी हो चुका है। अफरीन बुढ़िया, अफरीन को देखो बुढ़िया को, और मैं इधर बैठी हूँ आप लोग को। तो गाइस अफ्तारी करके हम लोग निकल गए बाहर, क्रॉफर्ड मार्केट आए, क्योंकि मम्मी की चप्पल लेना था, और मेरी मम्मी क्रॉफर्ड मार्केट की चप्पल पहनते हैं। यहाँ पर एक शॉप है, वो एरोसॉफ्ट चप्पल पहनते हैं, तो उनके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पर मिलेगी एरोसॉफ्ट। और अभी हम लोग आए, और हम लोगों का यहाँ पर सीख पाव मिलता है, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का। सैफ की जब यहाँ पर शॉप थी बहुत पहले, तो वह यहीं से खाते थे, तो हम लोग, मैं भी वो खाई हूँ जाके, बहुत मस्त। और उसके बाजू में शॉप के गाइज, अभी मैं मम्मी को कॉल लगाई थी उनकी चप्पल का नाप पूछने के लिए, क्योंकि वो मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे मेरी चप्पल लाना, तो मेरा आना ही नहीं हो रहा था यहाँ पर।
अब मैं आई हूँ तो मैं यहाँ से अम्मी की चप्पल ले लूँ, और अम्मी को नमाज का दुपट्टा भी चाहिए था तो मैंने अम्मी का नमाज का दुपट्टा भी ले लूँ। अब यहाँ से जा रही हूँ मेरी चप्पल लेने के लिए। मेरी चप्पल का मैंने यहाँ से लेके गई थी, बट साइज छोटा हो गया था तो आके चेंज करा दी थी, लेकिन स्टॉक नहीं था वो वाला उनके पास। तो अभी आया है तो भाई ने कॉल करे थे, तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ वहाँ जाकर। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, सैफ ने मम्मी की चप्पल ला चुके हैं। लाइट की वजह से सैफ नहीं दिख रहे। सैफ ने मम्मी की चप्पल लाए, अभी हम लोग निकलते हैं मेरी चप्पल लेने के। मुंबई में तो इतना आज क्राउड नहीं है जितना हमेशा और हर साल। और गाइस अभी आगे मतलब नहीं है, आप लोग जाओ और हमारी क्रीम बाय करो। देख सकते हो आप लोग, मैं अपना वीडियो फोटोज जो भी लेती हूँ बिना फिल्टर के ले रही हूँ, तो देख सकते हो आप लोग मेरा फेस। और माशाल्लाह जरूर बोलना। और गाइस हम लोग अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ से अभी हम लोग प्रॉफिट मार्केट में है, यहाँ से मोहम्मद अली रोड के लिए जाने का रास्ता है, तो पूरा पैक रहता था वो, इतना रश रहता था। लेकिन अभी तो उतना नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए हैं रोजे, तो पब्लिक धीरे धीरे आएगी। तो मैं बोल रही थी गाइस जाके फटाफट 887 सारे प्रोडक्ट्स अब बाय करके यूज करके रिजल्ट हम लोगों को बताना। देखो यहाँ पर थोड़ा रश है, और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताती हूँ, आप लोग जरूर देखना। आप लोग पूछते हो बुरके कहाँ से लेती हूँ, तो देखो ये इनका शॉप है अल रेहान, ये तो आप लोग भी जाना है इनकी दुकान पर और जल्दी जल्दी से बुरके बाय करना। मैं जितने भी अबायास पहन रही हूँ सब इनके वहाँ के ही हैं। मेरे अबाया अभी जो भी फिलहाल मैंने अबाया पहने वो सब इनके वहाँ के ही है। तो गाइस जाओ और जल्दी जल्दी बाय करो। गाइस देख सकते हो कितना प्यारा सब बनाए थे वहाँ पर आप लोगों को। मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की एक एक गली में मैं मेरे डैडी के साथ घूमी हूँ, और मेरे डैडी यहीं रहते थे, और गाइस मैं पैदा भी यहीं हुई हूँ, और मैं पूरा अपना बचपन भी यहीं निकाली हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर आने के लिए। मतलब मेरे डैडी की याद आती है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए करके, क्योंकि और फिर रमज़ान भी आप लोग तो समझ सकते हो कि रमज़ान में कितनी ही तकलीफ़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेव भी कमी नहीं करते हैं, लेकिन बाप तो बाप रहेगा गाइस। अब्बा तो अब्बा ही थे, उनकी क्या बोलते मम्मा, उनकी क्या? उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सेफ तुम मेरे अब्बा के बारे में कुछ बोलो। बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जो भी बोलो। क्या बोलूं? ये है आटी गली, बम्बई की अच्छी जगह है, मतलब ऐसे नहीं। यहाँ पर से मेरी मम्मी पहले बहुत कपड़े लेते थे, क्यों? क्योंकि आगे की गली में हमारा घर था, आगे की गली में हम लोग रहते थे पहले। फिर मेरी शादी हुई, मैंने पूरे घर को बम्बई बुला ली, सॉरी गवंडी बुला ली। अब ये गली में मैं आ गया, आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं, और बैग की भी एक से एक वैरायटी आई है, और एकदम ब्रांडेड बैग्स हैं हाँ भाई के पास में। और मैंने भी यहाँ से बाय की हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी आओ और देख सकते हो। अभी और भी आर्टिकल्स भाई के पास आने वाले हैं, तो इनकी आईडी पर जाना, जल्दी जल्दी इनको फॉलो करना। मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी गाइस, तो गो एंड ऑर्डर नाउ प्लीज। हाँ ये अपने भाई है अरबाज भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने चप्पल भी ले ली मेरी जो भाई के पास मेरी थी, और सैफ को पूछ सकते हो मम्मा क्या हुआ? नुकसान नुकसान हो गया सैफ का, अभी तो भी बहुत कम नुकसान हुआ। मैंने सिर्फ अभी एक ही चीज़ बाय करके आई उन्हें, तो मैं नेक्स्ट टाइम भाई से इतनी 15 जोड़ी चप्पल लेकर गई थी, 15 जोड़ी, और उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है उनके दर के ही। तो मैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं कहीं गई और कुछ सामान नहीं लाई। सैफ मुझे इसके लिए बाज़ार नहीं लेकर जाते, बोलते कि नहीं भाई मेरे साथ मत आओ, जाओ अपना जाओ और लेकर आओ। तो मैं क्या सोचती हूँ कि सैफ है ना मुझे पैसा देंगे तो कभी कम ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगी, और सैफ को लेके जाऊँगी तो ज़्यादा भी होगा तो देंगे, कम भी होगा तो भी देंगे। इसके लिए मैं पकड़ के सैफ को लेके जाती हूँ। चलो अभी भी भाग रहे थे, बोले तो नहीं नहीं मेरे को नहीं आने का, मेरा काम है। बोले मेरा काम है, मैंने जाने नहीं दी।
और मेरा तो प्रॉफिट हो गया। आपका क्या हुआ? तो गाइस फाइनली हम लोग का काम भी करके हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अब मैं आप लोगों को घर जाकर बताती हूँ कि हम लोग ने क्या लिए हैं और मतलब सैफ ने मुझे क्या दिया है। सैफ को देखो गाड़ी चला रही है, बेचारे बस गाड़ी चलाते रहते हैं और कुंडी लाते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं बोलूँगी बस हाँ 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 करते रहते हैं और सब बात में हाँ ही करते हैं, ना नहीं करते हैं कोई भी बात। मैं बोलूँगी ये तो ये हाँ तो हाँ। तो चलो मैं अब आपको घर जाकर मिलती हूँ। गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, अभी बेल बजाती हूँ और हम घर जाती हूँ। यही था, मैं अम्मी के लिए दुपट्टा लाई थी, देखो अम्मी मेरा दुपट्टा ओढ़ लिए, अम्मी मेरा दुपट्टा ओढ़ी। और ये देखो अम्मी ये सैफ ने लाया क्या है। ये अम्मी की क्या अम्मी ईद की है, ऐसी पहनो ईद में फिर लाएंगे उधर। और अम्मी के नमाज के दुपट्टे हैं। अम्मी तुम क्या बोलना चाहेगी अपने दामाद के बारे में? जोर की बोलो। मेरे दामाद और क्या बोलेंगे? जोर की बोलो। अल्लाह और नवाजे। अच्छा लगा तुमको? नमाज पढ़ के दुआ करेंगे ना हम लोग के लिए। अब मैं क्या लाई हूँ आप लोग को वो भी बताती हूँ कि मैं क्या लाने गई थी मेरे लिए। अम्मी तो बेचारे बहुत खुश हो गए सामान। तो गाइस मैंने ये लाई हूँ, ये अभी खोल के दिखाती हूँ आप लोग को। ये मेरा जूता है, ये वाला जो पुराना था, मैंने इतनी सारी चप्पल लाई थी उसमें से ये छोटा हो गया था, तो ये अभी लाई हूँ मैंने। वो देखो इनकी आईडी यहाँ पर है। और ये भी देखो आप लोग इसमें क्या लाई हूँ मैंने। गाइस अच्छा लग रहा है। तो देखो ये हैंडबैग ली हूँ मैंने, मैं सैफ को बोली मेरे को चाहिए, तो ये मैंने सैफ को धूल बना दी 5,000 रुपये खड़ू। गाइस फाइनली मेरी ईशा की नमाज हो गई है, मेरा सारा काम हो गया और मैं अभी सहरी का वक्त हो रहा है, सहरी करेंगे उसके बाद ताजुद की नमाज पढ़ के फिर फजर की नमाज पढ़ लेंगे। तो गाइज मैं करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना गाइज। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना और आप लोग मुझे दुआ में याद रखना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।